friends, five properties solved. Can you say? Now come to the sixth property. थोड़ो पाण भी याद कंदा वञो ॿुधाईंदा वञो ऐं कुझु ॿुधंदा वञो त उहे फाइव प्रॉपर्टीज़ पढ़ियूंसीं. नाओ सिक्स प्रॉपर्टी में असां हे था ॾिसूं त स्केलर प्रोडक्ट ओबेस विच प्रॉपर्टीज़ विच लॉस कैन बी से स्केलर प्रोडक्ट ओबेस द कम्यूटेटिव लॉ. यस इट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ. ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए बिकॉज दिस इज स्केलर प्रोडक्ट. केड़े भी डायरेक्शन केड़े भी तरतीब में वेक्टर्स मल्टीप्लाई कियो देयर विल बी नो डिफरेंस. सो ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए. सो इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ. वेरी सिंपल आ छो त असां ए जी प्रोजेक्शन बी ते वठूं या बी जी प्रोजेक्शन ए ते वठूं द रिज़ल्ट रिमेन सेम. सो नो डिफरेंस इहो यादि रखंदो. त अगरि ए डॉट बी जो जवाबु जीअं तव्हां हिते थोरो हुनखे प्रूव कयूं क्लास में तव्हां यादि हूंदो पढ़ी आयासीं. पर फॉर न्यू स्टूडेंट्स त सपोज दिस वन इज ए सपोज दिस वन इज बी. अगरि असां ए एंड बी हल कयूं पिया त फर्स्ट वैक्टर जो मैग्नीट्यूड खणबो आहे सेकेंड वैक्टर जो प्रोजेक्शन खणबो आहे फर्स्ट वैक्टर जे मथां. सो दिस वॉज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए एंड बी इज वॉट बी कॉस थीटा. सो बी कॉस थीटा I can write like this. So this was the scalar product of A and B. Now I am going to change the order. Let's see what happens. Agar order change kando, so now this is A, this is B, but now B is first vector, A is now our second vector. Chalo ye tartib change hai. Par jawab saago rahega. हाणे तव्हांजो थो बी इज़ फर्स्ट वैक्टर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर मल्टीप्लाइड विद द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वैक्टर. सेकेंड वैक्टर इज ए. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द बी. सो ए बी बट वॉट विल बी द ए बी लेट्स सी. हीअं परपेंडिकुलर कढंदो हिते एंगल ठहंदी. हाणे तव्हां चवंदो बी असांजो फर्स्ट वैक्टर आहे ए सेकेंड आहे त ए जो जेको हे कंपोनेंट हितां ठहियो जंहिं पासे ॾांहुं एंगल मैप थियल आहे. सो दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली नॉन एज द ए कॉस थीटा अगेन बिकॉज इट्स बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल फॉर दिस एंड दिस साइड इज एक्चुअली बी. त हाणे तव्हां चवंदो हे बी ए बी न लिखूं पर ए कॉस थीटा लिखूं. हाणे बी ए कॉस थीटा लिखूं या ए बी कॉस थीटा लिखूं बोथ आर मैग्नीट्यूड्स बोथ आर नंबर्स ए इंटू बी आर बी इंटू ए सेम थिंग. टू इंटू थ्री आर थ्री इंटू टू द एंसर इज सेम. एंसर इज सेम सो रिजल्ट इज सेम. व्हेन रिजल्ट इज सेम इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ऑब्वियस कम्यूटेटिव लॉ. पर तव्हांखे प्रोजेक्शन ते प्रैक्टिस मिले थी. अक्सर स्केलर प्रोडक्ट ते प्रोजेक्शन ते भी प्रॉब्लम ईंदा आहिनि. अगरि तव्हांखे चयो जे फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वैक्टर ऑन टू द फर्स्ट वैक्टर ओनली फाइंड आउट द प्रोजेक्शन द ए जो मैग्नीट्यूड हेॾे खणी ईंदव ए डॉट बी इज इक्वल ए लिखंदव. अगरि तव्हांखे ए जी प्रोजेक्शन बी जे मथां फर्स्ट जी प्रोजेक्शन सेकेंड जे मथां मालूम करणो आहे त ए डॉट बी लिखंदो या बी डॉट ए लिखो इट्स सेम थिंग बिकॉज इन कम्यूटेटिव लॉ देयर इज नो डिफरेंस. पर हिते मैग्नीट्यूड बी जो डिवाइड कंदो. सो प्रोजेक्शन ऑफ बी यू हैव टू डिवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद द स्केलर प्रोडक्ट. प्रोजेक्शन ऑफ ए देन यू हैव टू डिवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी विद द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स. त ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आहे. हिते मां स्टे कयो तव्हां हिन ॻाल्हि खे यादि रखो त बी जी प्रोजेक्शन हे ए जी प्रोजेक्शन थोरो डिफरेंस आहे पर जवाबु ॿियो थी वेंदो आहे. सो हिन ॿिनि ॻाल्हियुनि खे तव्हांखे ज़रूरु यादि रखणु खपे. हिन में कॾहिं बि ग़लती जी गुंजाइश निश्चित. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. यस सपोज सेवंथ प्रॉपर्टी कैन आई से स्केलर प्रोडक्ट ओबेस एसोसिएटिव लॉ. सोचो नो स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ बिकॉज एसोसिएटिव लॉ हीअं थींदो आहे बी डॉट सी टे वैक्टर हुजनि पोइ तव्हांखे ॾिस चवंदो त बी डॉट सी जो जेको जवाबु आहे स्केलर प्रोडक्ट में उहो जवाबु थी वेंदो स्केलर. ऐं स्केलर थी वञे त पोइ तव्हां चवंदो ए हे डॉट एन थी वियो. ऐं स्केलर ज़र्ब कयूं त अॻिते जवाबु वैक्टर ई रहंदो आहे ऐं उहो जेको ई हिननि जो ॿिनि स्केलर ऐं वैक्टर्स जो जवाबु ईंदो आहे उहो स्केलर न हूंदो आहे उहो वैक्टर हूंदो आहे. ऐं वैक्टर आहे त असांजी कहिड़ी स्केलर प्रोडक्ट आहे सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल.
So square product does not obey associative law. Yes, it obeys commutative law, but not associative law. Yes, it obeys distributive law. Distributive law class में prove भी क्यों से तो अगर a dot b plus c हो जे या आसानी के लिखियो से a dot b plus a dot c इनके graphically भी solve क्यों से the left hand was equal to right hand so it means it obeys distributive law over addition so very clear scalar product obeys commutative law obeys distributive law but not the associative law very important remember yes my dear students now come to the ninth property of the scalar product very important one अगर स्केलर प्रोडक्ट के भी कॉमन वेक्टर्स ए बी सी डी या प्रॉपर वेक्टर्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये न हो जन पर मखसूस वेक्टर हो जन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स देन व्हाट विल बी देयर स्केलर प्रोडक्ट यस वेरी इंपॉर्टेंट आई डॉट आई हो जे तो छा जवाब इंदो कैन आई से आई डॉट आई मींस दिस बोथ आर इक्वल वेक्टर्स बट व्हिच इक्वल वेक्टर्स बोथ आर यूनिट वेक्टर्स फॉर इक्वल वेक्टर्स असा पहले ही पॉइंट में प्रूव करे ऐसे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एनी वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी वन वेक्टर क्लियर इते आई आई मीन आई लिखी सकंदा एंड आई इज नाउ यू नो दैट दिस आई इज द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर सो इट्स वैल्यू इज 1 एंड स्क्वायर 1 इज अगेन 1 सो आई डॉट आई इज 1 सिमिलरली यू कैन से जे इज 1 के डॉट के इज 1 पर हिट द व्हाट टेस्ट में आए हुए हो तो एक्स डॉट एक्स हैट एंड वाई हैट डॉट वाई हैट is equal to z dot z hat is equal to what? Yes, if I dot I j 1 I n, then he bhi saagai chono unit vectors ni he saagai I means x ke represent kando a j y ke z ke represent kanda ni I j k j nalan sa show na kahi x y z j nalan sa unit vector rectangular unit vectors ke show kahi hu asan suppose kahi hu it's okay कहीं तो वरी भी जवाब छाइंदो तां चंदो आंसर अगेन विल बी इक्वल टू यस 1 सो दिस वाज द एनटीएस क्वेश्चन नाउ कम टू द लास्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10 आई डॉट जे विल बी इक्वल टू व्हाट आई डॉट जे नाउ हिते दास कांसेप्ट सोचो तो बोथ आर इक्वल यूनिट वेक्टर्स नाउ आई एंड जे बोथ आर व्हिच यूनिट वेक्टर्स इन ऐसे बोथ आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स बोथ आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स बिकॉज़ यू नो दैट जने भी आई जे जो कांसेप्ट याद रखनो है एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशन स्पेस के याद रखनो है आई रिप्रेजेंट्स एक्स जे वाई एंड दीज आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स मींस एंगल इज व्हाट 90 परपेंडिकुलर बढ़िया ऐसे The part to perpendicular vectors, the scalar product is always equal to 0. Because cos of 90 is always equal to 0. So, no need to bother about. Very simple is the physics. So, I dot j is 0. Similarly, j dot k is 0. K dot I puts in 0. I dot k puts in 0. J dot I puts in 0. Because the scalar product obeys commutative law in whatever order they ask you about the scalar product of two different unit vectors then zero answer scalar product of two equal vectors answer is 1 now we are going to study about the last and important property of the scalar product the hey formula that ab cos theta tare use kandao when two magnitudes and the angle between the two vectors is given पर ये एंगल एंड मैग्नीट्यूड्स मिले न हो जाए तो देन हाउ कैन यू डिटरमाइन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर गिवन लेट्स सी हाउ
Yes, my dear students, now come to the last and important property of the scalar product. When two vectors' magnitude and the angle between the both vectors is not given, but only you have given the two vectors in space or in plane, means having their only rectangular unit vectors. You know that whenever two vectors are located in space, they have all three rectangular components, x, y, and z components. हाँ इधर a और b के भी components मिले हो जिन एडो problem इन दो आए अक्सर इड़ा problem इन दानी practice भी करने दाय नते तो जैसे a dot b मालूम करना हो जाए तो हाँ इधर आप पढ़ आया हो तो पहले तो असल में जरूर बताऊँ simple यही बुदो उन्हों तो first component खान बुआ seven सा multiply कब बुआ second seven term सा multiply कब बुआ पर हे उन्ह जरूर खान भी सॉली जरूर छो सोलिया अगर x component x सा जरूर कहीं तो i dot i is 1, so this product will stay there. But ax if multiplied with the by, then I dot j will be equal to 0. Then this whole term will also become 0. Again you multiply this with this, 0. So no need of the multiplication of other terms. So this is very simple. X वाला कंपोनेंट x सा, y वाला y सा, z वाला z सा, the result and will be there. तो आपने समझिए तो a y, because j dot j is 1, so a y b y will be there. K dot k is 1, so a z b z will be there. So this is the formula for the multiplication of two vectors in scalar product. Then you have to multiply just their rectangular components, but which one? Only the similar one, बस हाँ नहीं ना दे practice कहीं अगर compounds मिले लो जन तो उन्हें केरे किस में problem अच्छी सगन था 16 तां काफी हल्के आऊँगा but different one so come to the practice.